नमस्कार, मैं प्रिया। साप्ताहिक रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। आज रोजगार से जुड़े समाचार में हम बात करेंगे सीएसपी, डीसीएल, आरएसएम, एसएसबी, एनएसयूटी, यूपीपीएससी, डीएसआर, वीएस, सीजीपीएससी, ईसीजीसी, आरबीआई, सीपीसीएल, एनईआर, बीओबी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड सीएसपी डीसीएल की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 111 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो अभ्यर्थियों के पास इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री या फिर डिप्लोमा रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो एज पर रूल्स ये तय होगी। और इसके साथ ही अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.csp.dcl.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान सबऑर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आरएसएमएसएसबी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है लैबोरेटरी असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 1012 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या मैथमेटिक्स या फिर ज्योग्राफी या होम साइंस में होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 450 रुपए, ओबीसी एनसीएल एमबीसी को 350 रुपए देने होंगे, एससी एसटी बीपीएल को 250 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 23 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एनएसयूटी दिल्ली की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 152 है। जहां तक सब्जेक्ट या फैकल्टी की बात है तो इसमें आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वेंचर डेवलपमेंट है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रेलेवेंट सब्जेक्ट में न्यूनतम 55% अंकों के साथ और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर इसके समकक्ष एग्जाम क्वालिफाइड होना और पीएचडी रेलेवेंट सब्जेक्ट में होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग अधिकतम आयु सीमा निर्धारित है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अधिकतम आयु 35 साल, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अधिकतम 50 साल और प्रोफेसर के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 साल निर्धारित की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 2000 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1000 रुपए। आखिरी तारीख 25 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.nsit.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। एग्जाम का नाम है उत्तर प्रदेश कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस पीसीएस एग्जामिनेशन 2022। पद की बात करें तो इसमें सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट कंट्रोलर, सीनियर लेक्चरर, केमिस्ट, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, मैनेजमेंट ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 250 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या फिर बीकॉम या एलएलबी या पीजी या बीएससी फिजिक्स के साथ या फिर बैचलर्स डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या पीजी बीएड के साथ या फिर पीजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या बैचलर्स डिग्री एग्रीकल्चर में या फिर इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 40 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी ईबीसी को 125 रुपए, एससी एसटी ईएक्स एसएम को 65 रुपए, पीएच को 25 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 16 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप upsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे राजस्थान डिजिटल शिक्षा एंड रोजगार विकास संस्थान की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है डेटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, कंटेंट राइटर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 340 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 या ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 35 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपए, एससी एसटी पीएच को 300 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 24 अप्रैल 2022 है।
वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.dsrvsindia.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन CGPSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है साइंटिफिक ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 23 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास मास्टर्स डिग्री बायोलॉजी में, बॉटनी में, फोरेंसिक साइंस में या माइक्रोबायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में या एंथ्रोपोलॉजी में या फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर केमिस्ट्री में या टॉक्सिकोलॉजी और 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 33 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST OBC कैटेगरी जो सिर्फ छत्तीसगढ़ के रहने वाले उनके लिए 300 रुपए और बाकी सभी श्रेणी के लोगों के लिए 400 रुपए है। आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.psc.cg.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECGC लिमिटेड की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है प्रोबेशनरी ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 75 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों का ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 30 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC EWS को 1180 रुपए, SC ST को 118 रुपए और बाकी सभी कैटेगरी की फीमेल और PH को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 20 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.ecgc.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ग्रेड बी ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 294 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन 60% अंकों के साथ या फिर PG इकोनॉमिक्स में या इकोनोमेट्रिक्स में या फिर क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में या इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में या फिर स्टेटिस्टिक्स में या मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स में या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में या स्टेटिस्टिक्स और इन्फॉर्मेटिक्स 55% अंकों के साथ होना जरूरी है। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 30 साल है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC को 850 रुपए, SC ST PWD EXSM को 100 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.rbi.org.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 72 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो इसमें प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, P&U मैकेनिकल, P&U इलेक्ट्रिकल, फायर एंड सेफ्टी। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा रेलेवेंट डिसिप्लिन में न्यूनतम 60% अंकों के साथ और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस या फिर मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर कोर्स फायर और सेफ्टी में और ITI हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस में होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 30 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC EWS को 1000 रुपए, SC ST PH EXSM और फीमेल को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 14 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.cpcl.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ग्रुप सी पोस्ट, जो कि सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 21 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 की डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 25 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। इसके लिए SC ST EXSM PWBD EBC और महिलाओं को 250 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। बाकी सभी को 500 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। आखिरी तारीख 25 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप NER.IndianRailways.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ब्रांच रिसीवेबल्स मैनेजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 159 है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो 23 से 35 साल है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC EWS को 600 रुपए, SC ST PWD और महिलाओं को 100 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 14 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन CGPSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 20 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन होम्योपैथी में इंटर्नशिप के साथ या फिर 4 साल का डिप्लोमा होम्योपैथी में 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। इसके साथ ही उम्र सीमा की बात करें तो 22 से 30 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST OBC जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं उनके लिए 300 रुपए और
बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 400 रूपए देने होंगे। आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.psc.cg.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही रोजगार से जुड़े समाचार में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।